इस कथा का मूल उद्देश्य क्या है? पड़ोसी भूखा रहे और मैं खाकर सोऊं, ये भाव इस भूमि का नहीं है, इस धरती का भाव, हमारे सनातन प्रेमियों का भाव ये है कि मैं भी थोड़ा सा खाकर सो लूं, मेरा पड़ोसी भी थोड़ा खाकर सो जाए, मेरा पड़ोसी भूखा नहीं सोना चाहिए, ये हम सबका भाव है। सब प्रसन्न, मैं ही सुखी हो जाऊं, ऐसा भाव यहाँ हम नहीं रखते। ये कथा कहती है कि हम सब सुखी हों, सब संपन्न हों, सब धन्य हों, सब ज्ञानी हों, सब विद्वान हों, सब श्रेष्ठ हों। एक अकेले व्यक्ति के ज्ञानी होने से ये संसार नहीं बदलेगा, परिवार, समाज, राष्ट्र नहीं बदलेगा। हम सबको विद्वान बनना है, सबको श्रेष्ठ बनना है, सबको हमको प्रेमी और भावुक बनना है। तो सबसे पहले कथा में आप आसन लगा करके, प्रेम से सब छोड़ करके, मान अपमान, सुख दुख, तमाम उलझने, मुश्किलें, सब घर की बाहर की सब बातों को कृष्ण के समर्पित करते हुए केवल यहाँ आकर कथा प्रेमी बन करके बैठिए। इतना सा ही काम है। यदि कभी किसी को अहंकार हो कि मेरी पदवी बड़ी है तो मैं नीचे नहीं बैठ पाऊंगा, तो अपनी पदवी के अहंकार की पोटली को बाहर द्वार पर लटका करके आना, फिर आराम से बैठ पाओगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ हम सब केवल और केवल कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण प्रेमी हैं, राधा रानी की कृपा के अनुगामी हैं। हे राधा रानी, तुम्हारे प्रेम में हम सब डूबते हुए कृष्ण कृपा को प्राप्त कर पाए। जैसे शौनकादि ऋषि सूत जी से वह अपार ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं प्रेम के साथ में, भक्ति हो, ज्ञान हो, पर साथ में भाव भी हो, प्रेम भी हो, इसलिए वो भाव आपका बन पाए। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का समुच्चय है। अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से अपने भाव से ये कथा कहते हैं। ऋषि महर्षियों के द्वारा ये प्रसाद महापुरुषों तक पहुंचा, उनसे विद्वानों को मिला और विद्वानों से सभी तक पहुंचाया जाता है। कथा बार बार सुनते रहना चाहिए ताकि भीतर के जो धूल जमी हुई है, जैसे आंगन में बहुत दिनों तक झाड़ू न लगाओ, सफाई न करो तो धूल जम जाती है, और एक तेज जब बारिश आती है तो सारी आंगन की धूल अपने आप साफ हो जाती है। ये वही बारिश है, कृष्णामृत, कृष्णामृत जिसे कहते हैं। जब ये भीतर जाएगी तो भीतर की मलिनता, धूल, सब विकार अपने आप धुल जाएंगे, इसलिए आवश्यक है। और शौनकादि ऋषि सूत जी से ये अमृत पान कर रहे हैं और ये हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, जीवन तो हम सबके पास है, हे गुरुवर, हे श्रेष्ठवर, लेकिन उस जीवन को हम में से जी बहुत कम पाते हैं लोग, जी सभी नहीं पा रहे, श्वास तो सभी ले रहे हैं पर जीवन बहुत कम लोग जी रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, पता कुछ नहीं क्यों जिए जा रहे हैं, बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, पता कुछ नहीं हम कहां जा रहे हैं, बस दौड़ लगा रही है दुनिया, दौड़ रही है एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, क्यों जा रहे हो पता ही नहीं है, दादाजी जाते थे इसलिए जा रहे, चली आ रही है परंपरा, कहाँ जा रहे हो पता नहीं, क्यों जी रहे हो पता नहीं, जीवन का उद्देश्य पता नहीं, तो ये जीवन कोई जीवन है? और जीवन है भी हमारे पास, पर साथ में जो मृत्यु का भय है उसका निवारण कैसे होगा प्रभु? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, काल के मुख का ग्रास होने के त्रास से मैं कैसे बचूं? सब तो काल के गाल में जा रहे हैं, कुछ पहले चले गए, कुछ अभी जा रहे हैं, कुछ आगे जाएंगे, और चलते ही जा रहा है ये क्रम, कभी रुकता ही नहीं है, और उनको देख करके मैं भयभीत हो रहा हूं कि राजे महाराजे सभी चले गए, योगी यति सती सभी चले गए,
मूर्ख हो या विद्वान सभी चले गए, अपने हो या पराए, शत्रु हो या मित्र, सभी को जाते देखा, सब चले जा रहे हैं। ये डर जो है मृत्यु का, ये जो भय जो है, मुझे जीने नहीं देता है प्रभु, इसलिए मैं कैसे जी पाऊं। जीवन तो है पर साथ में ये जो तलवार मृत्यु की शीश पर लटकी है, इसके भय से मुक्त कैसे हो, ऐसा कोई मार्ग बताइए, ऐसा कोई उपाय बताइए। और श्री सुखदेव जी उन सूत जी से ये चर्चा कर रहे हैं, उनके मन की जिज्ञासा, उनके मन के प्रश्न और सूत जी का समाधान ये निरंतर इस भागवत कथा को आगे बढ़ाएगा।